दोस्तों फाइनली नोकिया ने सच में मार्केट को हिला के रख दिया। नोकिया लेके आया अपनी नई एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी जिसकी प्राइस कह सकते हो आपको बिलो 20,000 के अराउंड आपको देखने को मिलती हो, जिसमें प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी किलर काफ़ी बेहतरीन स्पेक्स आपको देखने को मिलती है। डॉल्बी विजन, माइक्रो डिमिंग, ऑनको का आपको कह सकते हो आपको साउंड आपको देखने को मिलता है, डॉल्बी एटमॉस भी आपको देखने को मिलता है। अगर मैं सारे फीचर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी, तो मैं आपसे यही कहूंगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों मेरे मानने में ये टीवी 20,000 की रेंज में एक सुपर किलर, फिर से मैं बोलता हूँ किलर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि कह सकते हो नोकिया एक इंडियन ब्रांड हो, इंडियन ब्रांड कह सकते हो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उसको कह सकते हो काफ़ी आगे तक हमको ले जाना है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ को भी ले आना है, सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों जो हमारी नोकिया की तरफ से एकदम बजट रेंज में एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी आती है, जो आती है नोकिया 32 इंच एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीवी के बारे में, इसके डिस्प्ले साइज के बारे में, जो कह सकते हो टीवी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। दोस्तों कह सकते हो उस टीवी में कह सकते हो प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया आपको स्पेक्स आपको देखने को मिलती है। जैसे आपको 32 इंच का आपको LED का स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है, जो HD+ रेजोल्यूशन के साथ आता है। माने कह सकते हो उस टीवी में आप 720p में आप वीडियोज को भी चला सकते हो, साथ में आपको डॉल्बी विजन आपको देखने को मिलता है, जिससे कह सकते हो वीडियोज में काफी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा आपको कंट्रास्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा डॉल्बी विजन अक्सर काफ़ी महंगी और काफ़ी प्रीमियम टीवीज़ में आपको देखने को मिलता है। जो मेरे को लग रहा है नोकिया ने बजट रेंज में ये कह सकते हो डॉल्बी विजन दे दिया, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको HDR10 आपको देखने को मिलता है, माइक्रो डिमिंग भी आपको देखने को मिलती है। ये क्या करता है वीडियोज़ में ब्राइटनेस को कह सकते हो डार्कनेस को ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, जिससे कह सकते हो वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ में आपको कह सकते हो आइस केयरिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है। माने कह सकते हो टीवी को अब ज़्यादा देर तक देखोगे तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, जो मेरे को लग रहा है काफी अच्छी बात है। साथ में आपको 300 nits की आपको पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, MEMC के साथ आती है। साथ में आपको स्टैंडर्ड डायनेमिक भी आपको देखने को मिलती है, डिजिटल नॉइज फिल्टर भी आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं तो कह सकते हो टीवी में आपको कह सकते हो एकदम आपको पतले बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं, ना आपको ज्यादा मोटे आपको देखने को मिलते हैं, ना आपको कह सकते हो काफी पतले बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं, जो मेरे को लग रहा है ठीक ठाक आपको बेजल्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपको 170 डिग्री का आपको व्यू एंगल आपको देखने को मिलता है। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो इस टीवी में आपको Realtek का क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको 2GB की रैम और 16GB की आपको रैम एंड रोम आपको देखने को मिलती है, जो मेरे को लग रहा है प्राइस रेंज को देखते हुए काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों कह सकते हो इस टीवी के मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हूँ, क्योंकि कह सकते हो नोकिया जाना जाता है अपडेट्स के बारे में। इस टीवी में आपको एंड्रॉइड का कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, उस टीवी में कह सकते हो आपको एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको क्रोम कास्ट भी आपको देखने को मिलता है, गूगल असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो कह सकते हो इस टीवी में आपको डाटा सेवर भी आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास ज़्यादा नेट नहीं है फिर भी टीवी को चला सकते हो, जिससे कह सकते हो काफ़ी कम नेट खर्च होगा, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। प्रीलोडेड ऐप्स के बारे में बात करूँ इस टीवी में आपको काफ़ी सारे ढेर सारे ऐप पहले से आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कह सकते हो जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हो तो आपको YouTube भी आपको देखने को मिलता है, Netflix भी आपको देखने को मिलता है, Prime Video भी आपको देखने को मिलता है, Disney+ Hotstar भी आपको देखने को मिलता है, Zee5 भी आपको देखने को मिलता है, Voodoo भी आपको देखने को मिलता है, Spotify भी आपको देखने को मिलता है, और भी कह सकते हो प्लेटफॉर्म है, बट कह सकते हो जो मेन है ज़्यादातर आदमी यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बता दी। कह सकते हो नोकिया ने काफ़ी सारे OTT ऐप्स आपको दे दिए, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। हॉटकीज़ के बारे में बात करूँ तो इस टीवी में आपको 5 हॉटकीज़ आपको देखने को मिलती है, जिससे कह सकते हो 5 प्लेटफॉर्म पर किसी भी कह सकते हो हालत में जैसी हो वैसे आप कहीं भी कह सकते हो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। जैसे आपको यूट्यूब की हॉटकीज़ आपको देखने को मिलती है, साथ में आपको गूगल असिस्टेंट की आपको देखने को मिलती है, नेटफ्लिक्स की आपको देखने को मिलती है, प्राइम वीडियो की आपको देखने को मिलती है, गूगल प्ले की भी आपको देखने को मिलती है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखो ज़्यादातर आदमी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ऑडियो आउटपुट के बारे में बात करूँ तो इस टीवी के मैं ऑडियो से भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हूँ, क्योंकि सबसे पहले इस टीवी में आपको 39 बोर्ड्स की आपको दो
फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं जो ऑनको सराउंड साउंड के साथ आते हैं, साथ में आपको डॉल्बी एटमोस भी आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों नोकिया का क्लेम है इस टीवी में कह तक तो आपको 6D सराउंड का भी आपको मजा मिलेगा, अच्छी बात है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इस टीवी में आपको डुअल बैंड वाईफाई भी आपको देखने को मिलता है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको ब्लूटूथ भी आपको देखने को मिलता है, बट इन्होंने बताया नहीं है कौन सा वर्जन है, नहीं बताने दो। साथ में आपको 3 HDMI के पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, 2 आपको USB के पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, 1 आपको हेडफोन जैक का भी पोर्ट आपको देखने को मिलता है। और भी पोर्ट हैं बट कह सकते हो जो मेन है ज़्यादातर आदमी इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बात करते हैं इस टीवी के बारे में, इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। उस टीवी की प्राइस आपको 16,999 स्मार्ट टीवी की प्राइस है, जो मेरे को लग रहा है ये टीवी एक सुपर स्केलर वैल्यू फॉर मनी, क्यों कह सकते हो नोकिया एक इंडियन ब्रांड हो, इंडियन ब्रांड कह सकते हो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उसको कह सकते हो काफ़ी आगे तक ले आना है, वो कह सकते हो नोकिया का टीवीज़ के मामले में काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। फाइनली बात करते हैं कॉन्क्लूजन के बारे में, मेरे को क्या लगता है ये स्मार्ट टीवी आपको रिकमेंड करना चाहिए कि नहीं। अब दोस्तों कॉन्क्लूजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि देखो नोकिया एक इंडियन ब्रांड और इंडियन ब्रांड कह सकते हो काफ़ी अच्छा काम कर रही, उसको कह सकते हो काफ़ी आगे तक ले आना हो कह सकते हो उस टीवी में, मेरे को कोई भी शिकायत नहीं। क्योंकि देखो सबसे पहले काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, साउंड भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, साथ में कह सकते हो डॉल्बी विजन, साथ में आपको कह सकते हो माइक्रो डिमिंग भी आपको देखने को मिलती, दुनिया भर की चीजें कह सकते हो नोकिया ने इस बजट रेंज की टीवी में पैक कर दी। तो कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपका बजट कह सकते हो 20,000 के अराउंड है, आपको नोकिया की टीवी चाहिए तो आप इस टीवी को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। अगर आपके पास कह सकते हो और अदर ऑप्शन को ट्राई करना है, जैसे शाओमी हुआ, रियलमी हुआ, ब्लॉकपॉन हुआ या मोटोरोला हुआ, तो उन ऑप्शन को भी आप एक बार देख सकते हो। तो उसे कह सकते हो 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मेरी पिक्स बेस्ट आपको स्मार्ट टीवीज आपको की थी, जो मेरे को कह सकते हो 20,000 के रेंज में काफी ज्यादा पसंद है, तो जरूर उस वीडियो के जाके चेक करना है, जिसको आपको पता चल जाएगा 20,000 की प्राइस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये टीवी उस प्राइस लिस्ट में नहीं, क्यों कहता तो ये टीवी अभी हाल ही लॉन्च हुई। अगर दोस्तों आप नोकिया की तरफ से आने वाला स्मार्ट टीवी के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो, तो नोकिया की तरफ से आने वाला स्मार्ट टीवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।